स्टूडेंट्स, मैं भूभी मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। हमारा जो आठवीं के मैथ का चैप्टर नंबर 16 कंटिन्यू है, इसमें आज हम लेक्चर नंबर 2 में जो है प्रैक्टिस सेट 16.1 के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस बनाकर आपके लिए लाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा बुक है, बुक में क्या प्रॉब्लम दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 16.1 में दिया है कि किसी बक्से की लंबाई 20 सेमी, चौड़ाई 10.5 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी हो तो उसका घनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि क्या पता है कि बक्से का यानी कि घनाभ का घनफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पूरा सूत्र बताया है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार जो दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रश्नानुसार जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, बक्से की, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, 20 सेंटीमीटर चौड़ाई, बक्से की चौड़ाई कितनी दी हुई है, और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, और ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो उसका बक्से का घनफल, तो बक्सा क्या होता है, घनाभ आकृति का होता है, वर्ग स्क्वायर तो होता नहीं है, तो क्या हुआ है, घनाभ का घनफल हमें पता है, या बक्से का घनफल भी लिख सकते हैं, बक्से का घनफल बराबर सूत्र पता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई 20 गुड़े चौड़ाई 10.5 गुड़े 8, ठीक है। तो 20 दो अठे 16 160 गुड़े 10.5, तो 10.5 में जब 160 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1680 घन सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर होगा, यही आंसर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल था, करना कुछ नहीं है, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो इन तीनों चीज़ों का आपस में गुणा कर देना, हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। बस सूत्र याद होना चाहिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा दिया हुआ है कि किसी घनाभ के आकार के साबुन का घनफल कितना है, 150 घन सेमी है, उसकी लंबाई 10 सेमी तथा चौड़ाई 5 सेमी हो तो उसकी मोटाई कितनी होगी, ठीक है। तो घनाभ के आकार का है तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पहले हम उसको लिख लेते हैं कि किसी घनाभ के आकार के साबुन का घनफल, तो प्रश्नानुसार साबुन का घनफल बराबर 150 घन सेमी, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। और इसकी लंबाई, लंबाई किसकी, साबुन की लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई लंबाई L होता है, चौड़ाई B होता है, और चौड़ाई जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर बुक में दिया हुआ है, और H यानी कि ऊंचाई हाइट वो जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि साबुन का घनफल सूत्र जो है वो लिख लेते हैं, साबुन का घनफल बराबर L गुड़े B गुड़े H यानी कि लंबाई गुड़े चौड़ाई ऊंचाई। तो घनफल का मान तो 150 दिया हुआ है सवाल में ही, तो यहाँ पे घनफल के जगह पे 150 लिख देंगे, L का मान 10 सेंटीमीटर तो L के जगह पे 10, B का मान 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, और H का मान नहीं दिया हुआ है, H बराबर पूछ रहा है तो H का मान एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपस में H का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब H बराबर के इधर आएगा तो H बराबर मतलब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 150 बटा ये दोनों पार्ट जब बराबर के इधर आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो 10 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 5 5 3 15 यानी कि 3, H बराबर 3 सेंटीमीटर, यही उत्तर आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, कितना इजी सवाल था, आपको अगर सूत्र पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जो है इसी क्रम में जो तीसरे सवाल पर, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पेज चेंज कर लें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, बुक में देखिए दिया हुआ है कि 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर ऊंची तथा 0.5 मीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए
25 सेमी लंबी, 15 सेमी चौड़ी तथा 10 सेमी ऊंचाई वाली कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखिए ये जो है इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, किस स्टेप में लेना है, तो पहले उसको लिख लेते हैं कि तो लिखेंगे दीवार बनाने के लिए, तो प्रश्नानुसार पहले जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते समय तो क्या दिया है, लंबाई L, L बराबर जो दिया है वो 6 मीटर दिया है, सेंटीमीटर नहीं है, ये ध्यान देना है। उसके बाद 6 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर L बराबर हो गया। और लंबी 6 मीटर और 2.5 चौड़ी B मतलब क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो है वो 0.5 मीटर है, ये भी मीटर है, तो सेंटीमीटर में जब बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऊंची 100 से जब गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा यहाँ पे वो। और क्या दिया है, चौड़ी दीवार बनाने के लिए 25 सेमी लंबी हाइट। अब यहाँ पे देखिए दीवार और हाइट जो है एच जो दिया है हाइट वो कितना है, 25 सेमी लंबी, तो 2.5 मीटर ऊंची है, एच जो है हाइट है 2.5 मीटर है, यानी कि 100 से जब गुणा करेंगे तो 250 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब ये तो दीवार का हो गया, दीवार के लिए, ठीक है। अब जो दिया हुआ है ईंट के लिए, ईंट के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं प्रश्न में वो लिख लेते हैं। ईंट के लिए दी गई है कि बनाने के लिए 25 सेमी लंबी, 15 सेमी चौड़ी और 10 सेमी ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी। तो लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है बुक में, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कैसे लिखना होगा कि ईंटों की संख्या बराबर हो जाएगा दीवार का क्या हो जाएगा, सॉरी दीवार में बड़ी की मात्रा होती है, दीवार का घनफल, ठीक है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, दीवार का घनफल। उसके बाद एक ईंट का घनफल ज्ञात करेंगे ना, एक ईंट का घनफल तो हम बता सकेंगे कि ईंटों की संख्या कितनी लगेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दीवार का घनफल कैपिटल L, कैपिटल B और कैपिटल H लिखेंगे, ताकि हमें दीवार और ईंट में अंतर समझ में आए। L, B और H, ये कैपिटल में दीवार वाला है और यहाँ पर भी बना दे कैपिटल, और ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो है 600 गुड़े 50 गुड़े 250 जो कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, अभी आप देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दीवार के लिए 650 और 250 सेंटीमीटर, और ईंट का क्या दिया हुआ है, 25 15 और 10, तो 25 गुड़े 15 गुड़े 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब हम काटेंगे, इसको विभाजित करेंगे, तो ये 10 से जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 15, 5 2 50, 3 2 6 200, यहाँ पे 200 बचा और यहाँ पे 10, तो 200 गुणे 10 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो 2000 यानी कि ईंटों की संख्या जो हमारी प्राप्त हुई वो 2000 होगी, ईंटों की संख्या होगी। बहुत ही सिंपल है, यही उत्तर होगा, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा। कितने आसानी से देखिए हमने निकाल लिया। इसके बाद इसमें लास्ट प्रॉब्लम जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, कैसी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, मुझे क्या सुधार करना चाहिए आपके वीडियो बनाते समय, मैं वो सब आपको जो है सुधार करके नया वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊँगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ये लास्ट क्वेश्चन है कि बारिश का पानी
बारिश का पानी जमा करने के लिए किसी मोहल्ले में 10 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी पानी की टंकी बनाई गई है। ठीक है, अब उस टंकी की धारिता कितनी है, टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकेगा। इसमें देखिए दो सवाल, दो प्रश्न हैं, तो लेकिन है बहुत ही ईजी, तो चलिए देखते कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, पहले प्रश्न सामने रख लो। यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि बारिश का पानी जमा करने पर मोहल्ले में, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे लंबाई कितनी है 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी है, सब मीटर में है तो मीटर में ही रहने देंगे, और ऊंचाई जो है 3 मीटर है। ठीक है, तो हमें पता है कि टंकी का घनफल क्या हो जाएगा, टंकी का घनफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े एल गुड़े बी गुड़े एच होता है सूत्र से, तो 10 गुड़े 6 गुड़े 3 तो 60, 10 का 60 और 6 × 12 120 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब हमें पता करना है कि उसमें पानी कितना आएगा, दो सवाल है, एक सवाल का तो उत्तर ये हो गया। अब टंकी में कितने लीटर, ये तो टंकी की धारिता हो गई, ये टंकी का घनफल यानी कि धारिता हो गई, अब टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकेगा ऐसा प्रश्न है। तो हमें पता है कि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर पानी आएगा। ठीक है, 1000 लीटर पानी आएगा, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी छत्रिक 18 होता है, यहाँ 120 नहीं 180 आएगा। अब यहाँ पे हो गया, अब इसके बाद अब पानी तो टंकी में पानी, तो यहाँ पे लीटर में लिखेंगे, लीटर में टंकी में पानी लीटर में कितना होगा, 180 गुड़े 1000 कर देंगे, बस हमारा उत्तर हमें मिल जाएगा। तो 180 बराबर 1000, तो 180 और ये 30 और आ जाएगा 1 2 3, मतलब कि 180000 लीटर पानी जो है टंकी में आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सवाल है, बस ध्यान से करना होगा तो हम आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है 1 का पूरा प्रॉब्लम, 4 प्रॉब्लम से मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको जो है 6.2 के जो है फॉर्मूलाज और उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो सब सॉल्व करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।